नमस्कार दोस्तों, पिछले साल अप्रैल के महीने में रामनवमी के समय कुछ लोग पकड़े गए गौ हत्या करते हुए आगरा के शहर में। इसकी वजह से आगरा में उस वक्त कम्युनल हिंसा भी छिड़ गई थी। ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है, अगस्त 2022 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उत्तर प्रदेश के कनौज डिस्ट्रिक्ट में एक शिव मंदिर के सामने किसी आदमी ने मीट फेंक दी और उसकी वजह से हिंसा छिड़ गई। ऐसा ही कुछ मई 2020 में भी हुआ था, कोयंबटूर मंदिर के सामने किसी ने मीट फेंक दी। फरवरी 2024 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ लोग गौ हत्या काउस की स्लॉटरिंग करते हुए पकड़े गए। ये सारी खबरें सुनकर एक चीज आपके दिमाग में जरूर आएगी, आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब वो नहीं जो शायद आप सोच रहे हो। पहली खबर का न्यूज आर्टिकल देखिए। यूपी पुलिस के अनुसार गौ हत्या के पीछे असली जिम्मेदार थे हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता जो हिंसा भड़काना चाह रहे थे। दूसरी खबर, शिव मंदिर के सामने मीट फिकवाई चंचल त्रिपाठी नाम के एक आदमी ने। इसने एक मुस्लिम कसाई को इसके लिए 10,000 रुपए दिए थे। इसके पीछे कारण था कि ये वहां के SHO हरिश्याम सिंह के खिलाफ बदला लेना चाह रहा था। तीसरी खबर, कोयंबटूर के मंदिर के सामने मीट फेंकने वाला आदमी था हरी राम प्रकाश, एक अनएम्प्लॉयड सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। पुलिस के अनुसार ये मेंटली डिस्टर्ब्ड था। चौथी खबर, गौ हत्या के पीछे मुरादाबाद में यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया 4 लोगों को जिनमें से एक था बजरंग दल का लीडर। ये एक मुसलमान आदमी को एक झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन्होंने खुद गौ हत्या कर दी। हैरानी की बात ये कि ये काम करने के लिए इन्होंने खुद एक मुस्लिम आदमी की मदद ली। इन खबरों के पीछे की सच्चाई सुनकर अगर आप हैरान हो रहे हो तो आराम से बैठ जाओ, अगले आधे घंटे में जो मैं सुनाने वाला हूँ अपनी आंखें और कान खोलकर ध्यान से सुनना। हमारे देश में एक भयंकर माफिया चलाया जा रहा है व्हाट्सएप और मीडिया के जरिए, जिसका सिर्फ एक मकसद है, सभी हिंदुओं को ब्रेन वॉश करना और तानाशाह के हाथों कठपुतली बना देना। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था दोस्तों कि कैसे किसी भी देश का कोई भी डिक्टेटर हो वो हमेशा देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपना टारगेट बनाता है। भारत के केस में मेजॉरिटी कम्युनिटी है हम हिंदुओं की, और हमें ब्रेन वॉश करने के लिए जो व्हाट्सएप पर माफिया चल रहा है वो 4 डिपार्टमेंट्स पर काम करता है। पहला डिपार्टमेंट जो आपके अंदर गर्व और अहंकार भरता है, कहा जाता है कि आप हिंदू कितने महान हो, स्पेशली सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदुओं को ये गर्व दिया जाता है। चाहे आपने कुछ पर्सनल लाइफ में अचीव किया हो या ना किया हो, आपको कहा जाता है कि आप महान हो क्योंकि आप इस जात इस धर्म में पैदा हुए हो। हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। दूसरा डिपार्टमेंट कहता है कि आप पर सदियों से अत्याचार हुआ है, ये देखो आप कितने बड़े विक्टिम हो। तीसरा डिपार्टमेंट, आप खतरे में हो, देखो हमें उन लोगों से खतरा है, वो कभी भी आकर हमें खत्म कर सकते हैं। और चौथा डिपार्टमेंट जो नरेंद्र मोदी को मसीहा बनाता है, आपको कहा जाता है कि अगर आपको कोई बचा सकता है तो सिर्फ वही एक इंसान है जो आपको आकर बचाएंगे, इसलिए सिर्फ उन्हें ही वोट दो। दुनिया का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है। भगवान भारत के भगवान का वरदान बन के आए हैं। इस वीडियो में तीसरे और चौथे डिपार्टमेंट को गहराई से समझते हैं, ये जानने के लिए कि लोगों को क्या क्या दिखाया जाता है उन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए। दुनिया भर पर नजर डालें दोस्तों तो डिक्टेटर्स कई देशों में देखे गए हैं, चाहे ये पाकिस्तान हो, जर्मनी हो, चिली हो या रवांडा हो, लेकिन सभी डिक्टेटर्स के द्वारा टारगेट हमेशा मेजॉरिटी कम्युनिटी को किया जाता है। पाकिस्तान के देश में सुन्नी मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, तो उन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए झूठी खबरें फैलाई गई कि कैसे देश की बाकी माइनॉरिटीज उनके लिए खतरा बन रही हैं। हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, शिया मुस्लिम्स, अहमदिया मुस्लिम्स या फिर सूफी मुस्लिम्स ही क्यों ना हो। 2021 में BBC ने वीडियो रिपोर्ट अपलोड करी थी जिसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान की स्कूल की किताबों में कैसा नफरत खोर प्रोपेगेंडा मौजूद है जिसके जरिए बच्चों के दिमाग में जहर डाला जाता है। उन्हें ये कहानियां सुनाई जाती हैं कि कैसे हिंदूज और सिख्स ने लाखों औरतों बच्चों को मार दिया। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। और इतना ही नहीं, यहूदियों को भी इस्लाम का दुश्मन बताया जाता है। इसके अलावा इस 2016 की रिपोर्ट को देखो या फिर इस 2021 की रिपोर्ट को देखो जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ भी हेट स्पीच देखने को मिलती है पाकिस्तान में। इस सब नफरत का नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान आज के दिन बहुत ही बुरी हालत में है। पिछले साल की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट देखो, 40% पाकिस्तानीज बिलो पॉवर्टी लाइन है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी फिर रही है, और कुछ ही दिन पहले IMF ने बताया कि पाकिस्तान में इस फिस्कल ईयर में नियरली 25% की इन्फ्लेशन देखी जाएगी। पाकिस्तान की मेजॉरिटी कम्युनिटी सुन्नी मुस्लिम्स को इस नफरत के जाल में फंसकर ब्रेन वॉश होकर
क्या मिला? एक ऐसा देश जो रहने लायक नहीं है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कोई नामो निशान नहीं है। मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर एक डर की भावना जगाने के लिए किस तरीके का खबरों के साथ खेल खेला जाता है, इसका एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है आज से 100 साल पहले अमेरिका में। साल 1919 की बात है। वॉशिंगटन में एक 22 साल का ब्लैक क्रिमिनल कुछ लोगों पर हमला करता है और चोरी करता है। जिन लोगों पर हमला किया जाता है उनमें से एक स्कूल टीचर थी जो खुद एक ब्लैक औरत थी। इस इंसिडेंट को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वॉशिंगटन के जो सारे अखबार थे उस वक्त के, वो या तो इस खबर को रिपोर्ट ही नहीं करते या फिर इसे पूरी तरीके से दबा देते। लेकिन 5 दिन बाद सेम शहर में सेम क्रिमिनल जब एक व्हाइट औरत पर हमला करता है तो सारे अखबारों की ये फ्रंट पेज खबर बन जाती है। इसकी वजह से अगले कई हफ्तों तक वॉशिंगटन में दंगे देखने को मिलते हैं ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच। 39 लोगों को मारा जाता है और 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। जो एक्चुअल क्रिमिनल था इस केस में, उसका अरेस्ट सिर्फ एक साल बाद ही देखने को मिलता है जब वो कोई एक नई चोरी करता है। वॉशिंगटन पोस्ट जो उस वक्त भी एक अखबार था, वो 100 साल बाद 2019 में उस इंसिडेंट को लेकर खेद जताता है। आर्टिकल में लिखता है कि उन्हें रिग्रेट है अपने रेशियल पास्ट को लेकर। आज दोस्तों ऐसी ही कहानियां हमारे देश में दोहराई जा रही हैं। कुछ महीने पहले आपने एक खबर सुनी होगी श्रद्धा वालकर की, एक हिंदू औरत जिसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया उसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड अफताब अमीन पूनावाला के द्वारा। शॉकिंग बात यह थी कि इसमें इसकी बॉडी को काट कर फ्रिज में रखा था, लेकिन हमारे गोदी मीडिया ने इस एक इंसिडेंट का इस्तेमाल किया सभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। इसकी वजह से नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी NBDSA ने 50,000 रुपए का फाइन लगा दिया मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज 18 पर। 4 शोज जिन्हें एंकर किया गया था अमीश देवगन और अमन चोपड़ा के द्वारा, इन्होंने नफरत फैलाई थी। 1,00,000 रुपए का फाइन टाइम्स नाउ नव भारत पर भी लगाया गया इसी चीज को लेकर। इस इंसिडेंट का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर भी भरपूर तरीके से नफरत फैलाई गई। एक गोदी इन्फ्लुएंसर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की फोटो अपलोड करी उनके मुस्लिम दोस्त के साथ। श्रद्धा की खबर को देखते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने दहेज की लिस्ट से फ्रिज को हटा लिया है। सुदर्शन न्यूज ने एक प्रोग्राम चलाया जिसकी हेडलाइन थी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है की हकीकत। एक और गोदी इन्फ्लुएंसर ने ट्विटर पर पोस्ट किया आपका अब्दुल भी वैसा ही है। जी न्यूज ने ट्वीट करके प्रोग्राम चलाया मेरा अब्दुल वैसा नहीं है वालों के लिए सबसे बड़ा सबक है ये केस। और ऑफ कोर्स व्हाट्सएप माफिया ने भी अब्दुल शब्द का इस्तेमाल करके बहुत सारे जहरीले मैसेजेस फैलाए। ये सारे पोस्ट और मैसेजेस सिर्फ एक चीज साबित करना चाहते हैं कि हर एक मुसलमान आदमी एक पोटेंशियल खूनी है। अब्दुल शब्द का प्रयोग यहाँ पर सभी मुसलमानों को डिनोट करने के लिए किया जा रहा था। कुछ ही दिन पहले एक और ऐसी खबर आई कर्नाटका से, जहां पर एक मुस्लिम आदमी फयाज ने एक हिंदू लड़की नेहा को मार दिया। एक बार फिर से ये सारे गोदी इन्फ्लुएंसर्स और व्हाट्सएप माफिया को चलाने वाले एक्टिवेट हो गए और सभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलने लग गए। मकसद सिर्फ एक, हिंदुओं को ब्रेन वॉश करो और हिंदुओं के अंदर डर बिठाओ कि हिंदू खतरे में है और हमें अगर इस खतरे से बाहर निकलना है तो मोदी को वोट देना होगा। अब जिन लोगों का ब्रेन वॉश ऑलरेडी किया जा चुका है उन्हें इस चीज में कुछ भी गलत नहीं लगेगा। वो कहेंगे क्या गलत है इसमें, ये मर्डर यहाँ पर हुआ मुसलमान ने किया, ये सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं। उन्हें अगर आप बोलने की कोशिश करोगे तो सिर्फ एक दो इंसिडेंट्स है, वो आपको 10 ऐसे इंसिडेंट्स गिना देंगे। शारदा आफ्ताब, नेहा फयाज, साक्षी साहिल खान, निकिता तौसीफ, अरशद प्रभा, अंकिता शाहरुख, रितिका सईद, मानसी दीक्षित, मुजम्मिल, इन सभी केसेस की लिस्ट सुनाने के बाद ये आपसे कहेंगे ये देखो कहा था ना मैंने ये सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं, ये सारे के सारे पोटेंशियली खूनी होते हैं। क्या है इसके पीछे का सच, इस खबर को देखो। श्रद्धा वालकर के केस के 2 हफ्ते बाद एक और केस हुआ था पांडव नगर में। अंजन दास नाम के एक आदमी को उनकी पत्नी पूनम के द्वारा मार दिया गया और श्रद्धा के केस की तरह उसकी भी बॉडी को काट कर फ्रिज में स्टोर किया गया। इतना ही नहीं, इसके 3 महीने बाद इस खबर को देखिए। नजफगढ़ के पास मित्राऊ गांव में साहिल गहलोत ने अपनी लिव इन पार्टनर निक्की यादव को मार दिया। मारने के बाद उसकी बॉडी को अपने ढाबा में फ्रिज में रखा। सेम दिन उसने एक आदि भी कर ली। इन दोनों केसेस की डिटेल्स बिल्कुल वही श्रद्धा आफताब केस वाली डिटेल्स है, सिर्फ एक फर्क, इन दोनों केसेस में कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है जैसा उस वाले में, इसलिए आपने इन खबरों के बारे में कहीं सुना ही नहीं होगा और ना ही मीडिया वालों ने इस खबर को चलाया होगा। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में अमन कुमार सिंह ने एक 17 साल की लड़की सोनम परवीन को मार डाला। हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की, इसलिए गोदी मीडिया इसकी बात करेगा ही नहीं। न्यूज 18 हिंदी की वेबसाइट पर एक खबर जरूर छपी, लेकिन इन्होंने लड़के का नाम नहीं लिखा, बस ये लिखा कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही। यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट से इस खबर को देखिए। नाइमा उर्फ ईशा अपने घर से भाग गई और एक लव मैरिज करी अंशु के साथ। अंशु एक शार्प एज हथियार से ईशा पर हमला करता है और इसे मारने के बाद उसकी बॉडी कुएं में फेंक देता है। वहां के एसपी ने इंटरोगेशन के बाद बताया कि हस्बैंड अंशु ने अपना गुनाह कबूल किया। रसूलपुर गांव की इस न्यूज रिपोर्ट को देखिए।
20 साल की गुलनाज खातून को जिंदा जला दिया गया एक आदमी और उसके दोस्तों के द्वारा, क्योंकि उसने मैरिज प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया था। यहाँ अक्यूज्ड कौन था? सतीश कुमार राय। पिछले साल जब साक्षी और साहिल खान की खबर मीडिया में फैलाई जा रही थी, तो उससे कुछ दिन पहले एक और वैसा ही इंसिडेंट हुआ था। बिहार का एक लेबरर रामानुज साहू सूरत गया अपने परिवार से मिलने। उसका अपनी पत्नी रेखा के साथ झगड़ा हुआ और उसने रेखा पर 10 बार चाकू से वार किया। जब उसकी 19 साल की बेटी ने अपनी माँ को बचाने की कोशिश करी तो उसने उसे भी मार डाला। नजफगढ़ की इस खबर को देखिए। विपुल सिंह नाम का आदमी खुले में धमकी देता है कि वो मुसलमान औरतों को मोलेस्ट करेगा और मारेगा। दिल्ली पुलिस और NCW ने इस पर कॉग्निसेंस भी लिया। या फिर 5 महीने पहले की कर्नाटका की इस रिपोर्ट को देखिए। 39 साल का आदमी प्रवीण अरुण, इसने अपनी 21 साल की एयर होस्टेस कोलीग आयनाज के साथ दोस्ती करी। जब आयनाज ने इससे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, ये उसके घर में गया और उसे मार डाला। और इसके बाद इसने उसकी माँ को भी मार डाला, उसकी बड़ी बहन को भी मार दिया और उसके छोटे भाई 14 साल के उसको भी मार दिया। फिर से हिंदू आदमी है, मुस्लिम औरत है, तो गोदी मीडिया इसकी बात नहीं करेगा, ना ही आपको व्हाट्सएप पर सुनने को मिलेगी। 20 दिन पहले की इस खबर को देख लीजिए। 26 साल की रुखसार उर्फ रिया को उसके लिव इन पार्टनर ने मार डाला और उसकी बॉडी को एक कबर्ड में स्टफ कर दिया। अक्यूज्ड कौन था? विपुल टेलर नाम का आदमी। जब दैनिक जागरण में एक खबर छपी तो इन्होंने लड़की का नाम कहीं मेंशन नहीं किया अपने आर्टिकल में। अब इस खबर को देखिए। बैंगलोर में रहने वाला प्रदीप एक रुखसाना नाम की औरत से संबंध बनाता है। दोनों का साथ में बच्चा होता है। रुखसाना उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था, तो उसने रुखसाना का खून कर दिया। ये भी कुछ ही दिन पहले की खबर है कर्नाटका से। मेरा एक ही सवाल है नफरत फैलाने वाले नमूनों से। आपको मैंने इतने सारे केसेस गिना दिए यहाँ पर पिछले 1-2 सालों के, जहां पर हत्या करने वाला एक हिंदू था। तो क्या यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि हर हिंदू आदमी यहाँ पर एक पोटेंशियल खूनी है? ऑब्वियसली नहीं कहा जा सकता। देश में 55-60 करोड़ हिंदू आदमी रहते हैं। इन 20-30 केसेस को लेकर जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि सारे हिंदू लड़के ऐसे होते हैं। और ठीक इसी तरीके से मुसलमानों को भी जनरलाइज नहीं किया जा सकता। देश में रहने वाले करोड़ों मुस्लिम आदमी हैं, सारे के सारे पोटेंशियल किलर नहीं होते। ये एज्यूम करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है और ये आपका नफरत खोर माइंडसेट दिखाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बड़े अफसोस की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। NCRB की रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2022 के अनुसार देश में 4.5 लाख क्राइम्स हुए हैं औरतों के खिलाफ इस 2022 के साल में। इन 4.5 लाख क्राइम्स में से 28,522 FIRs दर्ज कराई गई मर्डर की, जिनमें से 8,125 फीमेल्स थी। अब एक साल में अगर 8,000 से ज्यादा मर्डर के केसेस हो रहे हैं जहां पर औरतों को मारा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें से कुछ मर्डर्स ऐसे होंगे जो एक मुसलमान आदमी ने किए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एक हिंदू आदमी ने किए होंगे। हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहां पर आपको मिल जाएंगे। हिंदू आदमी हिंदू औरत, मुस्लिम आदमी मुस्लिम औरत, हिंदू आदमी मुस्लिम औरत, या मुस्लिम आदमी हिंदू औरत। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, सभी धर्मों के आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, क्योंकि 8,000 यहां पर बहुत बड़ा नंबर होता है। प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है, उनकी आवाज सिर्फ तब निकलती है जब उन्हें दिखता है कि हत्या करने वाला एक मुस्लिम आदमी था और जिसकी हत्या हुई वो एक हिंदू औरत थी। लेकिन इन सब लोगों के मुंह पर चुप्पी लग जाती है जब दिखता है कि यहां एक हिंदू औरत को हिंदू आदमी के द्वारा मारा गया, या फिर एक मुस्लिम औरत को हिंदू आदमी के द्वारा मारा गया। किसी भी नॉर्मल इंसान में अगर इंसानियत है तो वो इन सभी केसेस के खिलाफ आवाज उठाएगा जहां जहां औरतों का अत्याचार हो रहा है। कोई भी सेंसिबल आदमी यहां पर कहेगा सरकार को कि यहां सारे क्राइम्स को क्यों नहीं रोका जाता जो सारी औरतों के खिलाफ हो रहे हैं। असलियत में सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है इस चीज को लेकर। ऐसा तो होगा नहीं कि पुलिस एक एरिया को सेफ बनाएगी सिर्फ हिंदू औरतों के लिए और मुस्लिम औरतों के लिए वो एरिया अनसेफ रहेगा। अगर किसी एरिया को सेफ बनाना है तो सभी औरतों के लिए वो सेफ बनेगा ना। सेलेक्टिव आउटरीच इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आज मैं जस्टिस की डिमांड करता हूं तो मैं नेहा के लिए भी करता हूं और रुखसाना के लिए भी करता हूं। मैं उन सभी हिंदू और मुस्लिम औरतों के लिए जस्टिस की डिमांड करता हूं जिनके खिलाफ अत्याचार हुआ है। पुलिस को यहां पर स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। देश भर में अगर पुलिस वालों की कमी है तो स्टेट गवर्नमेंट्स को यहां पर और पुलिस को रिक्रूट करने की जरूरत है। कोर्ट्स अगर धीरे काम करते हैं तो उन्हें फास्ट ट्रैक ट्रायल करने की जरूरत है। तारीख पे तारीख देना उन्हें बंद करना होगा। और खून करने वाला चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उन सबको स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट दी जानी चाहिए। अब मैं इन BJP वालों को चैलेंज करता हूं कि ये सेम चीज बोलकर दिखाएं। इनका एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता ये सेम चीज बोल नहीं पाएगा, हिम्मत ही नहीं होगी। क्योंकि अगर इन्होंने ये चीज बोल दी तो इनका पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। हिंदुओं को ब्रेन वॉश करने का इनका यही तरीका है और इसके बिना इनका धंधा ही नहीं चलेगा। अरे किसी और धर्म की औरत को लेकर जस्टिस की डिमांड करे वो तो बहुत दूर की बात है। ये हिंदू औरतों के लिए भी जस्टिस की डिमांड नहीं करेंगे अगर इन्हें देखा कि BJP इन्वॉल्व है कहीं पर। अगर किसी हिंदू औरत को किसी हिंदू आदमी के द्वारा मारा गया किसी BJP रूल्ड स्टेट में, या किसी कल्प्रिट का कोई BJP कनेक्शन निकल जाए,
तो इनके मुंह बिल्कुल बंद हो जाते हैं। दिसंबर 2019 में देख लो क्या हुआ था, जब फॉर्मर बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह को कॉन्विक्ट किया गया किडनैपिंग और मोलेस्टिंग के केस में। इस केस में बहुत से विटनेसेस की मौत हो गई थी और इनके कार्यकर्ताओं ने क्या किया, इनके सपोर्ट में रैली निकाली थी। विधायक जी सरासर निर्दोष हैं, उनको फंसाया जा रहा। कुछ महीने पहले एक आईआईटी बीएचयू का केस हुआ जहां पर तीन अक्यूज थे, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान। ये बीजेपी आईटी सेल की वाराणसी यूनिट का हिस्सा थे। इन्होंने अपनी फोटोज पोस्ट करी थी जेपी नड्डा के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ, यूपी सीएम आदित्यनाथ के साथ। क्या लगता है आपको, यहाँ पर किसी हिंदू औरत की इन्हें चिंता थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इस केस में इनके खुद के लोगों पर आरोप लगा था बलात्कारी का। उत्तराखंड का ये केस देख लो, 19 साल की अंकिता भंडारी का। ये एक रिजॉर्ट में काम करती थी और इस रिजॉर्ट के ओनर फॉर्मर बीजेपी पॉलिटिशियन विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या थे। इस पर इंजाम लगा कि इसने अंकिता को मोलेस्ट किया और उसकी हत्या कर दी। लड़की के पापा को एक से दूसरे पुलिस स्टेशन तक भागना पड़ा FIR रजिस्टर करवाने के लिए। कुछ एक्शन सिर्फ तब लिया गया जब लोकल न्यूज पोर्टल जागो उत्तराखंड में इस मर्डर को हाईलाइट किया था। लेकिन बाद में पता है क्या हुआ, इस न्यूज पोर्टल के जर्नलिस्ट आशुतोष नेगी को ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है, ये कहकर कि इसके इंटेंशंस पर हमें शक होता है। अंकिता भी हिंदू थी, लेकिन क्या व्हाट्सएप पर आपने इस मैसेज को पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इनका माफिया चल रहा है। श्रद्धा वालकर के केस में तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी हिंद ने उसे कंडेम भी किया और किलर को लेकर हार्शेस्ट पनिशमेंट भी मांगी। नेहा फयाज के केस में अंजुमन इस्लाम कम्युनिटी के मेंबर्स ने कर्नाटका चीफ मिनिस्टर को लेटर भी लिखा, ये कहते हुए कि हम अक्यूज्ड फयाज के खिलाफ सिवियर पनिशमेंट की मांग करते हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपके फोन में हर दिन हर शाम को आ रहे हैं, वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपको ये चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ आपको ब्रेन वॉश करना है। वो सिर्फ आपके दिल के अंदर डर की भावना जगाना चाहते हैं कि आपको डर लगे मुसलमानों से, और फिर इस डर के मारे आकर आप मोदी को वोट दो। मुझे बड़ा बुरा लगता है कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास भी अब और कुछ बचा नहीं है। अब उन्होंने भी अपने भाषणों में ऐसे झूठ फैलाने शुरू कर दिए हैं कि हिंदुओं के अंदर डर बैठे और डर के मारे वो उन्हें वोट करें। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। पहली बात, कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में हिंदू और मुस्लिम शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, और ना ही वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द आपको ये पूरे मैनिफेस्टो में कहीं मिलेगा। मेरी बात पर यकीन नहीं होता, आप इनका मैनिफेस्टो खुद जाकर देख सकते हो कांग्रेस की वेबसाइट पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। कंट्रोल F करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन सर्च करने की कोशिश करना, कुछ नहीं मिलने वाला। उल्टा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बात करी गई है एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, रोजगार की। इन्होंने कहा है कि ये 22 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे, करोड़ों नौकरियां देंगे। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में भी ऐसा ही कहा था कि जितने रुपए नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिए, उतने रुपए ये गरीबों को देंगे, मजदूरों को, किसानों को और युवाओं को देंगे। जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उठा के दे देंगे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने बड़ी बेशर्मी से मुस्लिम्स पर वही स्टीरियोटाइप थोप दिया जो इनके व्हाट्सएप माफिया में फैलाया जाता है, कि मुसलमान तो हमेशा ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्या प्रधानमंत्री ये खुद 5 भाई बहन नहीं है क्या? यूपी चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को देख लो, उनके खुद 3 भाई और 3 बहन है। ये जो परसेप्शन बनाया जाता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये बिल्कुल बकवास परसेप्शन है, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट्स को आप देखोगे तो ज्यादा बच्चे पैदा करना इसका फीमेल लिटरेसी से रिलेशन है। लक्षद्वीप में 96% लोग मुस्लिम है, लेकिन वहां की फीमेल लिटरेसी हाई है, इसलिए वहां का फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। ऑन एवरेज लक्षद्वीप में एक औरत सिर्फ 1.4 बच्चे पैदा करती है, लेकिन देश भर में ये एवरेज 2 पर है। अब बिहार जैसी स्टेट को देख लो जहां पर फीमेल लिटरेसी सबसे कम है, इसलिए बिहार बर्थ रेट में सबसे ऊपर है। कुछ जगहों पर ये जो लोकलाइज ट्रेंड देखने को मिलता है जहां मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट थोड़ा सा ज्यादा है बाकी रिलीजन से, इसके पीछे कारण भी लिटरेसी रेट है, क्योंकि हिस्टोरिकली मुस्लिम्स का लिटरेसी रेट हमेशा थोड़ा सा पीछे था, लेकिन अब मुस्लिम्स का बर्थ रेट सबसे तेजी से कम हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को इन फैक्ट से क्या फर्क पड़ता है, उनका तो एक ही फंडा है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। हमें सभी हिंदुओं को जागरूक करने की जरूरत है दोस्तों। जब ये डर का माहौल बनाने के लिए इनके पास असली खबरें खत्म हो जाती हैं, तो ये झूठी खबरें फैलाना शुरू कर देते हैं। श्रद्धा वालकर के केस में रशीद खान नाम के एक आदमी का केस निकल कर आया था। एक ऑन ग्राउंड न्यूज रिपोर्टर ने रशीद खान नाम के एक आदमी से बात करी जो श्रद्धा वालकर के मर्डर को जस्टिफाई कर रहा था। उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करी गई, और जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो पता है क्या पता चला? उस लड़के का नाम एक्चुअली में विकास कुमार था, रशीद खान बनने का नाटक कर रहा था वो। एक और ऐसा ही केस सामने आया जब एक फेसबुक पोस्ट वायरल होने लगी राजिया बानो नाम के यूजर नेम के साथ। इस पोस्ट में जस्टिफाई किया जा रहा था कि हिंदू औरतों के खिलाफ कुछ हो
तो वो ठीक है, रिवेंज है। कुछ हिंदू अकाउंट्स ने बड़ी आउटरेज करी इसको लेकर कि ये मुसलमान हम लोगों से इतना नफरत क्यों करते हैं। और जब इस चीज का फैक्ट चेक किया गया तो पता लगा कि यूजर नेम गलत था, राजिया की जगह राजिया लिख रखा था। और प्रोफाइल पिक के बारे में सर्च किया तो पता चला कि ये राजिया के यूजर नेम के पीछे एक पवन शर्मा नाम का आदमी था। इस बंदे की एक और पोस्ट मिली तो किसी ने कमेंट कर रखा था, शर्मा जी नाम क्यों बदल लिया। तो उस आदमी ने लाफिंग इमोजीज के साथ रिप्लाई किया, पवन भाई अब मुल्ली बनोगे क्या, सॉरी मुल्ला। और इसने रिप्लाई किया, जस्ट वेट एंड वॉच डियर। कुछ लोग नफरत के पागलपन में इतने अंधे हो गए हैं कि ये खुद से नफरत की खबरें फैलाते हैं ताकि इंजाम वहां मुसलमानों पर डाला जा सके, उनकी इमेज को बदनाम किया जा सके। वीडियो के शुरू में मैंने आपको ऐसे ही कुछ किस्से सुनाए थे जहां पर बजरंग दल और हिंदू महासभा के मेंबर्स ने जाकर गौ हत्या करी, और वो भी इसलिए ताकि किसी मुसलमान पर इंजाम डाला जा सके, कहकर कि ये देखो ये मुसलमान लोग हैं जो हमारी गौ माता की हत्या करते हैं। यहां पर एक बहुत बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है दोस्तों। झूठी खबरें कितनी ज्यादा फैलाई जा रही हैं आप यकीन नहीं करोगे। एक यूजर अभिषेक कुमार, अपने आप को मोदी का परिवार कहते हैं, ये वीडियो शेयर करते हैं जहां पर कुछ लड़कियां एक आदमी के पीछे भागकर उसे दंडों से मार रही हैं। लिखा जाता है, वीडियो कहां से है ये पता नहीं, लेकिन ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि हिंदू बेटियों ने लव जिहादियों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। अगर सर्च करके देखोगे वीडियो कहां से है, उत्तर प्रदेश का ये इंसिडेंट है 2018 का, और जिस आदमी को मारा जा रहा है उसका नाम है कपिल चौहान, क्योंकि वो लड़कियों को छेड़ा करता था। बात यहाँ पर ये नहीं है कि मुस्लिम ईव टीजर्स नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे भी मुस्लिम होंगे जो अपनी आइडेंटिटी हिंदू नामों के पीछे छुपा कर रखते हैं और हिंदू लड़कियों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जुलाई 2022 का केस यूपी के आजमगढ़ में। ऐसे भी मुस्लिम्स हैं जिन्होंने हिंदू मंदिरों के सामने कुछ गलत किया है, जैसे कि ये वेस्ट बंगाल टेंपल का केस जहां पर एक मुस्लिम आदमी ने उसके सामने पेशाब कर दिया था। लेकिन बात मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा काम करना चाहिए, हर इंसान को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन आपको जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक साइड की खबरें दिखाई जा रही हैं। और ये जो नफरत फैलाई जा रही है ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ सिमिलर तरीके से कैंपेन चलाई जाती है। एग्जाम्पल लेकर देख लो कांग्रेस का। ये खबर सुनी आपने कि कांग्रेस लीडर रशीद अलवी ने राम भक्तों को राक्षस कहकर बुलाया। सिर्फ व्हाट्सएप पर ही नहीं बल्कि इस खबर को तो कई गोदी मीडिया वालों ने भी चलाया था। आफ्टर सलमान खुर्शीद अनदर कांग्रेस लीडर स्पार्क्स राव, कांग्रेस नेता अलवी कंपेयर्स दोज चैंटिंग राम भक्त्स टू डेमन। रशीद अलवी साहब ने बोला कि ये जो जय श्री राम बोलते हैं ये सब राक्षस है। लेकिन ये सरासर झूठी खबर थी। सच बात यह है कि रशीद अलवी एक्चुअली में बात कर रहे थे रामायण की। जब मेघनाथ से लड़ते हुए लक्ष्मण अनकॉन्शियस हो जाते हैं और हनुमान उनके लिए जड़ी बूटी लेकर आते हैं, रावण कुछ राक्षसों को भेजता है जो अपने आप को एक साधु की तरह डिस्गाइज कर लेते हैं, कुछ ऐसे राक्षस जो खुद जय श्री राम का नारा लगाते हैं। यही चीज उनके द्वारा कही जा रही थी कि ये कुछ लोग जो राम का नाम ले रहे हैं ये असल में राक्षस हैं साधुओं के फेज में। वो अप्सरा बन जाती है और वो हनुमान जी से कहती है, हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे, तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर, और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है मुनि नहीं ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं वो निश्चर है। बीजेपी वाले ये बात जानते थे, लेकिन जानबूझ के इनकी स्टेटमेंट को क्लिप किया गया ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ है, हिंदुओं के खिलाफ बोलती है। रवीश कुमार के साथ भी ये चीज अक्सर करी जाती है। दिल्ली में जब दंगे भड़के थे शाहरुख नाम के एक आदमी ने गोलियां चलाई थी, व्हाट्सएप पर एक क्लिप काट कर डाली जाती है जिसके ऊपर नीचे कैप्शन लिखा जाता है, आतंकी शाहरुख को बचाने के लिए रवीश ने बताया उसे ब्राह्मण अनुराग मिश्रा। जो ओरिजिनल अनएडिटेड वीडियो है वहां पर रवीश कुमार कह रहे हैं, अभी भी जरूरत है कि पुलिस इसकी पहचान को लेकर दोबारा बोले। पुलिस साफ कहती है कि शाहरुख है, मगर आप सोशल मीडिया में देखिए अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है, अभी भी जरूरत है कि पुलिस इसकी पहचान को लेकर दोबारा बोले। इसके बाद एक एनडीटीवी रिपोर्टर खुद पुलिस से बात करते हैं और कंफर्म करते हैं कि इस आदमी का नाम शाहरुख ही है। नाम को लेकर कोई स्पष्टीकरण आया है कि नाम क्या है? शाहरुख नाम है उसका। एक और झूठ फैलाया जाता है कि रवीश कुमार कभी कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करेंगे, जबकि उन्होंने कई बार एपिसोड्स बनाए हैं कश्मीरी पंडित पर, 12 साल पहले से लेकर एज रिसेंट एज 3 महीने पहले। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, व्हाट्सएप पर जब लोगों को ब्रेन वॉश करना है तो उसके लिए कुछ भी बोल दो। एक और एक्यूजिशन जो इनके खिलाफ उठाई जाती है कि ये कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन 2014 से पहले की इनकी ये क्लिप देखो, कई रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जब ये मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पिछले अगस्त में अयाज झांसी
तेजस्वी के शेर से जवाब दिया था, तब कोयला घोटाले का के आरोपों की आंच उनकी सरकार पर आ रही थी। 7 महीने बाद मनमोहन सिंह ने उन सवालों का जवाब दिया या अपनी आबरू के लिए खामोशी तोड़ी है। बिस्टर्स के इसी तरह के हजारों कमरे गाँव की जमीन पर बना दिए गए और मजदूरों को बोरी में आलू की तरह इनमें ठूस कर रख दिया गया। अब मेरे खिलाफ भी ये लोग ऐसे ही झूठ फैलाते हैं। इस WhatsApp मैसेज को देखो, पता नहीं कितनी बार इन्होंने इस WhatsApp मैसेज को अपने ग्रुप्स पे बार बार फॉरवर्ड किया है। लिखते हैं कि मैं एक हिंदू ही नहीं हूँ, मेरा नाम ध्रुव राठी नहीं है, मेरा असली नाम है बद्रू रशीद। और इतना ही नहीं, इन्होंने मेरी वाइफ यूली को भी पाकिस्तानी बना दिया। अब नीचे देखो क्या क्या बकवास लिख रखी है कि यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का कनेक्शन है, ISI है, अमेरिका है, दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन है। क्या बकवास लिखते हैं, मुझे सुनकर हंसी आती है, आपको भी हंसी आ रही होगी, लेकिन इसके पीछे का एजेंडा देखो क्या है। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसे किसी न किसी तरीके से मुसलमान बना दो, पाकिस्तानी बना दो, क्योंकि जो ओवरऑल गेम यहाँ पर खेला जा रहा है वो यही है कि हिंदुओं के अंदर डर बिठाना है। और जो भी इनके खिलाफ बोले, अगर कोई वो हिंदू बोल देना इनके खिलाफ तो वो हिंदू हो ही नहीं सकता। ये अपने फॉलोअर्स को, अपने ब्रेन वॉश लोगों को यही दिखाना चाहते हैं कि जो भी वहां से आवाज उठा रहा है इनके खिलाफ वो हिंदू नहीं है, वो सिर्फ मुस्लिम लोग हैं। जो झूठ ये फैलाते हैं उसे ये डबल चेक भी नहीं करते। एक ये मैसेज था इनका जो फैलाया जा रहा था, अभी कुछ दिन पहले एक ये दूसरा मैसेज है इनका जो ये फैला रहे हैं। इस ट्वीट को देखो, इसके अनुसार तो मेरे फादर इन लॉ हैं एक्चुअली में पाकिस्तानी सिटीजन, यानी कि यूली के पापा। फिर लिखते हैं कि यूली इकलौती बेटी है उनकी, ये चीज भी झूठ है। अगर इन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे होते तो इन्हें पता होता कि वो इकलौती नहीं है। मतलब कुछ बिलीवेबल तो हो जो कह रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि जो लोग ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं इनके माफिया के अंडर आकर, उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक लॉजिकल सेंसिबल दिखने वाली झूठी कहानियां क्यों बनाने में टाइम वेस्ट करें, जब इनके जो लोग व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ रहे हैं वो इन बेसर पैर की झूठी कहानियों से ही कन्विंस्ड हो जा रहे हैं। व्हाट्सएप माफिया का तीसरा डिपार्टमेंट कुछ इस तरीके से लोगों के अंदर डर बिठाता है कि उनकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है लोगों को जागरूक करना इस चीज के बारे में, स्पेशली हिंदू लोगों को जागरूक करना, क्योंकि अगर किसी को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है यहाँ पर तो वो हम हिंदुओं को बनाया जा रहा है। इस माफिया के 2 और डिपार्टमेंट्स बचते हैं, आने वाले वीडियोस में उनको भी गहराई से समझेंगे, लेकिन तब तक काम रुकना नहीं चाहिए। हमारा ये संघर्ष देश के संविधान को बचाने के लिए है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। और अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें अभी भी लगता है कि नहीं, देश में सब ठीक चल रहा है, देश में कोई तानाशाही नहीं है, तो जरा कुछ दिन पहले की इस खबर को देख लो जरा। सूरत की लोकसभा सीट पर क्या हुआ, कांग्रेस के कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई कर दिया गया और वहां बाकी 8 कैंडिडेट्स ने किसी ना किसी बहाने से विड्रॉ कर लिया, यानी कि इलेक्शन होने से पहले ही बीजेपी ने ये सीट जीत ली। इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, लाखों लोग जो सूरत में रहते हैं उनका लोकतांत्रिक अधिकार उनसे इस तरीके से छीन लिया गया। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ हुआ, बीजेपी ने 10 सीटें ऑलरेडी जीत ली वहां पर इलेक्शन होने से पहले ही। और इस खबर को देखो, जहां पर दिल्ली में वो चुनाव हारने वाले थे उन्होंने इलेक्शन ही नहीं होने दी MCD की। इससे पहले चंडीगढ़ की इलेक्शन में सीधा सीधा फ्रॉड करने की कोशिश करी गई थी बीजेपी को जिताने के लिए। मतलब समझ रहे हो आप इस सब का दोस्तों, जो पहले चंडीगढ़ में हुआ, जो आज सूरत में हुआ, वो कल पूरे हिंदुस्तान में होगा अगर इन्हें इसी तरीके से जीतने दिया गया तो। वन नेशन वन इलेक्शन तो सिर्फ दिखावे का फंडा लगता है, अगर देश इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो यहाँ पर जल्द ही वन नेशन जीरो इलेक्शन होगी, चुनाव होने से पहले ही बीजेपी के कैंडिडेट्स जीतते जाएंगे। क्या आप ऐसा देश देखना चाहते हो जहाँ पर इलेक्शन के कोई मायने ही ना रह जाए? इस चुनाव में दोस्तों हमें अपनी पूरी जी जान लगानी होगी देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। मैंने तो अपना पूरा करियर यहाँ दांव पर लगा दिया है, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं देश को ऐसी हालत में गिरते नहीं देख सकता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि शायद दोबारा कभी मौका ना मिले। 3 स्टेप्स मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा। Step 1, मेरे WhatsApp चैनल को जाकर ज्वाइन करो, इसका लिंक इस QR कोड में मिल जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर ये लिंक आपके लिए खुल नहीं रहा तो WhatsApp ऐप को अपडेट करो अपने फोन पर। चैनल ज्वाइन करने के बाद बेल आइकन दबाओ नोटिफिकेशन का। हमारा मिशन है 100 करोड़। हम WhatsApp पर एक ऐसी आंधी लेकर आएंगे सच की कि इनका ये पूरा WhatsApp माफिया दब जाएगा। Step 2, वोट करना मत भूलना, वोट करना बहुत बहुत जरूरी है, अपने परिवार में अपने दोस्तों तक ये चीजें पहुंचाओ। और Step 3, जितना आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हो करो, वीडियोस बना के करो या घरों से बाहर निकलो, गांव में जाओ, मोहल्लों में जाओ, सड़कों पर घूमो, लोगों तक ये संदेश पहुंचाओ कि देश कितना खतरे में है। मुझे नहीं पता अंत में हमारी ये कोशिश सफल होगी या नहीं, लेकिन एक बात जरूर पता है मुझे, मैं अपने आप पर हमेशा गर्व करूंगा कि मैं चुप नहीं बैठा रहा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, आखिरी दम तक कोशिश करी। जय हिंद।